राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामना दी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दो दो भारत रत्न का इस संस्थान से जुड़ना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की गौरवशाली विरासत का जीवंत प्रमाण है। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास इस विद्यापीठ के पहले कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस संस्थान के पहले बैच के छात्र रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के छात्रों से यह अपेक्षा है कि वे अपने आचरण में शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपनाएंगे। इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने वाले आचार्यगण और अभिभावक गण को भी मैं बधाई देती हूं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। काशी का अभिप्राय है सदैव प्रकाशमान रहने और सदैव प्रकाशित रखने वाला ज्योतिर्पुंज। प्यारे विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण ये है कि दो दो भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े रहे। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र थे। वस्तुतः काशी विद्यापीठ से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद से ही उनके नाम के साथ शास्त्री उपनाम जुड़ गया था। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्रों के रूप में इस संस्थान की प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जन सेवक के रूप में सरलता, निष्ठा, त्याग और दृढ़ता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए। इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढाले। हिंदी माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की अपनी परिकल्पना की चर्चा महात्मा गांधी से की थी और गांधी जी ने उसे सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया था। हमारे देश की स्वाधीनता के 26 वर्ष पूर्व गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता तथा स्वराज के लक्ष्य के साथ इस विद्यापीठ की यात्रा शुरू हुई थी। 10 फरवरी 1921 इस विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने विद्यालय सरकार के असर में है उनसे हमें विद्या नहीं लेनी चाहिए। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी। असहयोग को बढ़ाने के लिए ही इस विद्यापीठ की स्थापना की गई। असहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित शास्त्री जी तथा उनके मित्रों ने गांधी जी का भाषण सुनने के बाद काशी विद्यापीठ में अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ये विद्यापीठ असहयोग आंदोलन से उत्पन्न संस्था के रूप में हमारे महान स्वाधीनता संग्राम का जीवन प्रतीक। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आप सभी विद्यार्थीगण स्वाधीनता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वज वाहक। इस विद्यापीठ के प्रथम प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों में महात्मा गांधी, लाल लाजपत राय, जमुना लाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे इतिहास निर्माता शामिल थे। यहाँ के असाधारण अध्यापकों की सूची में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद और बाबू श्री प्रकाश जैसे मूर्धन्य विद्वानों के नाम सदैव याद रखे जाएंगे। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रबल लोकमान्यता है कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाले विश्व की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से युक्त पूर्ण नगरी काशी सबको आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में 78% संख्या छात्राएं की है। स्नातकों में लगभग 57% छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 68% बेटियां हैं।
मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों में 11 छात्राएं हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व विकसित देश के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय संकल्प सिद्ध करने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम।